Hello everyone, this is Vinay Kad and today I'm going to start with conversions. So conversion shuru karne se pehle hum reagents pad lete hain. Agar hum reagents achhi tarah se kar lete hain to conversion samajhna zyada aasan hoga. To pehla reagent alcoholic KOH. Alcoholic KOH HX ko remove karta hai. Removes HX. For example, if I consider CH3, CH2, Cl. अगर हम इसमें अल्कोहलिक KOH ऐड करते हैं तो HX एक Cl यहां से और एक H यहां से तो यहां पर CH2 डबल बॉन्ड CH2 इथीन. नाउ दिस हैलोजन इज नॉट रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड बट कहीं-कहीं Cl रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड भी हो सकता है. फॉर एग्जांपल CH2 CH Cl इसमें जो हैलोजन है वो रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड है पाई सिग्मा लोन पेयर resonance stabilized delocalized halogen है तो इसमें हम ऐड करेंगे NaNH2 NaNH2 resonance stabilized halogen को भी रिमूव कर देता है एक Cl यहां से एक H यहां से और एक Cl यहां से तो CH triple bond CH that is acetylene. तो हमें याद क्या रखना है NaNH2 removes HX and this is delocalized and alcoholic KOH removes HX localized. Now the next point is zinc. Zinc removes X2. For example, chloroform CHCl3 plus Zn, it will remove minus Cl2, so the we will get CHCl plus Cl2. Next is concentrated H2SO4. It removes water. For example, and we use concentrated H2SO4. So yahan par ek H hai to ye minus H2O to yahan ban jayega. Concentrated H2SO4 do not removes resonance stabilized OH. For example, concentrated H2SO4. So isme koi reaction nahi hogi kyunki ye resonance stabilized hai. Double bond sigma lone pair resonance stabilized so koi reaction nahi hogi. Now ab main kuch direct conversions bata raha hu. Conversions into benzene. First is zinc dust एसिडिक मीडियम में. सो अगर कभी भी फिनॉल हो फिनॉल को बेंजीन में कन्वर्ट करना हो तो हम जिंक डस्ट H+ यूज करते हैं. फॉर एग्जांपल फिनॉल OH जिंक डस्ट तो ये H+ बेंजीन में कन्वर्ट होती है डायरेक्ट. इसको भी याद करो मैकेनिज्म बाद में समझते हैं इसका. सेकंड nitrobenzene into aniline. इसमें हम ऐड करते हैं SN plus HCl या फिर Fe plus HCl तो ये aniline में convert होता है. Third acetylene
2 benzene. We use hot iron tube. Hot iron tube, for example, CH, triple bond CH. इसके हम 3 मोल लेते हैं एंड इसमें हम हॉट आयरन ट्यूब यूज़ करें. हॉट आयरन ट्यूब, तो ये बेंजीन में कन्वर्ट होता है. सो ये समझना था, जो समझ गए हम. अब हम डायरेक्टली बात करते हैं, अब हम कन्वर्जन्स पे आते हैं. अगर कभी भी नाइट्रेशन करना हो, अगर मैं जैसे OH है फिनोल, तो अगर हम इस पे नाइट्रेशन करते हैं, नाइट्रेशन में हम क्या यूज़ करते हैं, मिक्सचर ऑफ कंसनट्रेटेड HNO3 प्लस कंसनट्रेटेड H2SO4, कंसनट्रेटेड HNO3 कंसनट्रेटेड H2SO4. इसमें जो हमें इलेक्ट्रोफाइल मिलता है वो होता है NO2 प्लस. सो OH है, फिनोल है, एक्टिवेटिंग ग्रुप है, तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कहाँ पर बढ़ाएगा, ऑर्थो एंड पैरा पोजिशन पे. तो ये कहाँ पर अटैक करेगा, तो हमें क्या मिलेगा प्रोडक्ट, एक तो ये प्लस ये मेजर होता है, ये माइनर होता है, ये लेस हिंडर्ड होता है, ये मोर हिंडर्ड होता है, इसलिए माइनर होता है. सो माय क्वेश्चन इज, इसको हम थोड़ा रटते हैं. अगर हम इसको रटते हैं तो आगे की कन्वर्जन्स बहुत आसान होती है. इस क्वेश्चन को रटेंगे अब हम. कन्वर्जन मीथेन इनटू 4 नाइट्रो एनिलीन. सो हम क्या यूज़ करते हैं इसमें, मीथेन लो 2 मोल, क्लोरीनेशन कराओ इसका, एच न्यू की प्रेजेंस में क्या बनेगा, 2 मोल CH3Cl, देन ओरिजिनल रिएक्शन एन ईथर. इसको थोड़ा स्टेप्स को रटो, हमें क्या मिलेंगे, CH3 डॉट प्लस CH3 डॉट, दैट इज C2H6. इस पर हम फिर से क्लोरीनेशन कराएंगे, मतलब C2H6 मिल जाएगा हमें. इस पर हम फिर से क्लोरीनेशन इन द प्रेजेंस ऑफ एच न्यू, क्या मिलेगा, CH3 CH2 Cl, 10 अल्कोहलिक KOH रिमूव्स HX, एक Cl यहाँ से, एक H यहाँ से, CH2 डबल बॉन्ड CH2, 10 नॉर्मल क्लोरीनेशन विदाउट कोई सनलाइट यूज़ नहीं करेंगे, एक Cl यहाँ पर, एक Cl यहाँ पर, देन अगेन अल्कोहलिक KOH, एक Cl, एक H, CH2 डबल बॉन्ड CH2 Cl, रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड है तो हम क्या यूज़ करेंगे, NaNH2, एक Cl, एक H, CH ट्रिपल बॉन्ड CH. एसिटाइलिन से हम कन्वर्जन पढ़ चुके हैं बेंजीन में, कैसे, हॉट आयरन ट्यूब बेंजीन, इस पर हम नाइट्रेशन, NO2, देन SN प्लस HCl, Fe प्लस HCl, क्या बन जाएगा, एनिलीन. अगेन इस पर क्या करा देंगे, नाइट्रेशन, एक्टिवेटिंग ग्रुप है ऑर्थो, और पैरा पे बढ़ाएगा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, इलेक्ट्रोफाइल है NH2 NO2, इसको क्या कहते हैं, 4 नाइट्रो एनिलीन. ये हमारा प्रोडक्ट बन गया. सो इन द नेक्स्ट क्लास वी विल कंटिन्यू द कन्वर्जन्स. थैंक यू सो मच.